हल्के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। लो भाई, रशीद मियां ने भेजा ऐसे। रात को भी नींद आए क्या ना आए, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ताजदार बेगम, रुक जाइए बीबी जी, अंदर जाने की मनाही है। तुम इस वसीयत से मुतमईन तो हो? दिल से भुला भी नहीं पाता और जबान से इकरार भी नहीं करता। क्या कर रहे हैं बाबा? डॉक्टर ने आपको टहलने से मना किया है ना, अभी आपको आराम करना चाहिए। चलिए हमारे साथ, चलिए संभल के। आप भी ना हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। चलिए बैठ जाइए। देखिए किस कदर आपकी सांस फूल रही है। अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए। अब पड़े पड़े जी भी तो घबराता है, राज भी कहाँ तक आएगा, किससे बातें करें, दरो दीवार से। इतने सारे लोग तो हैं बाबा, कोई ना कोई तो रहता ही है आपके पास। अब बच्चों से सारी बातें कर भी तो नहीं सकते। रुक जाइए बीबी जी, अंदर जाने की मनाही है। मनाही है जी? हमारे लिए भी? सबके लिए। आप यहीं बैठिए, हम जूस लेकर आते हैं। बैठो बेटा बैठो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। बेटे तुम तो जरा जरा सी बातें घबरा जाती हो। अरे भाई बुढ़ापा है, कमजोरी है, अब ये सब तो होना ही है। आप यहीं बैठिए, हम जूस ले आते हैं। समझ लीजिए बाबा, आप यहाँ से उठेंगे नहीं, ठीक है? ठीक है बेटा, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। बाबा उठिएगा नहीं। या अल्लाह रहम कीजिए, लगता है मंजिल करीब आ गई। Baba! Baba!
बाबी, भूरे मियाँ, जल्दी आइए, बाबा, बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, बाबा, क्या कुछ? बाबा, बाबा उठिए, उठिए, प्लीज उठिए बाबा। जिंदगी एक ख्वाब ही तो है, कौन जाने कौन सी लहर भोली माजन को डुबो दे। ये पेंटिंग हमारी जिंदगी की तर्जमानी कर रही है। राज नारायण बूढ़ा हो गया, सांस फूलने लगी तेरी अब यार। और हमारा खान बहादुर जफरुल्लाह खान साहेब अभी तक जवान है। अरे ये बालों में खिजाब लगाने से जवानी वापस आ जाती है क्या? अरे मेरा यार तू तो बुरा मान गया, मेरा यार तो अभी बांका जवान है, बांका जवान। अरे यार ना तू जवान है न मैं जवान हूँ, दोनों अपनी अपनी उम्र के घोड़े पर सवार हैं, बस एक ठोकर लगी के धड़ाम से नीचे। अरे यार जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक तो हंसता बोलता रहे यार। माना कि हम अपनी मूछे काली करते हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आईने में अपनी जवानी तो देख लेते हैं यार। तेरी तरह मौत के खौफ को कंधों पर सवारी तो नहीं कराते, जब आएगी देखा जाएगा। फौजिया, फौजिया कहाँ हो तुम बेटा? आदाब। आदाब। कुछ नहीं। फौजिया कहाँ है? जी अपने कमरे में, 3 दिन से बाहर भी नहीं आई, खाना भी नहीं खाया, यही हाल है उनका। मैं देखता हूं। हमने सोचा था कि वजाहत की शादी फौजिया से कर देंगे, पर वजाहत तो इंग्लैंड जाकर ये भूल ही गए कि खानदानी रिवायत क्या होती है। फौजिया, क्यों हमारे यार की रूह को तकलीफ दे रही? मरहूम की आत्मा को शांति देने के लिए पहले बेटा तुम्हें, बाद में हम सबको उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। उनके अधूरे कामों को पूरा करना है। खुद तो खां बहादुर चले गए अपने अल्लाह मियाँ के पास, पर हम तो थे उनके पुराने साथी, उसके बचपन के दोस्त, छोड़ गए हमको अकेला। अरे कोई हमारे दिल से पूछे दर्द का आलम,
कौन रहा जिससे हम अपने दिल की बातें करें, और जाते जाते एक जिम्मेदारी भी दे गए कि राज तू फौजिया के सरपरस्त हो, उनसे ज्यादा ख्याल रखना फौजिया का। अंकल बेटी हमारा यार तो चला गया, हमारी बेटी बनारस में पीएचडी कर रही है, शादी होकर वो भी अपने घर चली जाएगी। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा ख्याल तुमको रखना होगा। अंकल बेटी खान साहब की जुदाई का गम हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, एक सैलाब है जो हमने अपनी पलकों में रोक के रखा है। अब कोई भी तो नहीं रहा जिसके सामने हम अपना हाल दिल कह सके। बेटा वक्त ने हमको बूढ़ा बना दिया, उम्र में तुम सब मुझसे छोटे हो। बेटी तुम खुश रहोगी तो हम सब भी खुश रहेंगे। अंकल अब अल्लाह के बाद आप ही तो सहारा है हमारा। बेटा अगर ऐसा समझती हो तो ये रोना बंद करो बेटे, और खुश होकर हमको भी जीने का सहारा दो। नमस्कार विधायक जी, आइए तशरीफ रखिए। अरे वाह, आज तो यहाँ एक के बजाय दो कुर्सियां हैं। फरमाइए, यहाँ आने की कैसे जहमत की? क्या की? मेरा मतलब है यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? भाई कष्ट तो हम जनता के लिए उठाते ही रहते हैं। हमने आपको फोन किया और आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने सोचा कि हम खुद ही चलकर आपसे मिल लेते हैं। हमने जो बात आपसे फोन पर कही थी वही बात हम आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरी समझना ही नहीं चाहते। हमने सरकार के साथ और शहजाद नगर के किसानों के साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया है हम भी तो जाने। प्रोडक्शन का 80% हम देंगे सरकार के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को और 20% देंगे शहजाद नगर के किसानों को। ऐसे फर्जी हिसाब किताब के बही खाते तो हमने बहुत देखे हैं, और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि खाद ब्लैक में बेची जाती है। और हाँ, जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था वो बेचारे खान बहादुर तो कब के ऊपर पहुंच गए हैं। अब आपको कोई डीएम वीएम नहीं बचा सकता। रामपाल जी, वो औरत मर चुकी जो मर्दों की धौंस से अपना सिर झुका दिया करती थी। ये पुराने हथकंडे अब हम पर नहीं चलेंगे। तो ये भी समझ लीजिए कि इस फैक्ट्री का नया मालिक इंग्लैंड से आ रहा है। वो तुम्हारी तरह अड़ियल नहीं है, हमारा बहुत आदर करता है। उधर उसने यहां कदम रखा और उधर तुम्हारी कुर्सी गई। मालिक बदलने से हम नहीं बदलेंगे, और जब तक हम यहां हैं तब तक काम कायदे और कानून से होगा। ये भी देख लेंगे हम, तैयार है ना? अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ
वो क्या मिसाल है उर्दू में, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आदाब अंकल, आपने आज का अखबार पढ़ा? बेटा कोई खास खबर है? जी, इसमें लिखा है कि एक लेपालक मरहूम खान बहादुर की दौलत अस्पताल बनाने के नाम पर लुटा रही है और मालो जायदाद का असली मालिक इंग्लैंड में बैठा है। अभी हिंदुस्तान की सरजमीं पर वजाहत ने कदम भी नहीं रखे कि तूफान के झोंके खान बहादुर की दरे दौलत पर दस्तक देने लगे। बेटी ये रामपाल बड़ा शातिर खिलाड़ी है, ये शतरंज की बिसात सब उसी की बिछाई हुई है। ये हमारा वजाहत तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे आगे बढ़ाकर वो हमें शह देना चाहता है। तुम फिक्र मत करो, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जी, भूरे मियाँ ने कहा है कि गाड़ियाँ तैयार हैं, लिहाफ बिस्तर चावल के बैग सब रखवा दिए। चावल के बैग? जी अंकल, फातिहा के नाम पर एक वक्त का खाना खिलाने से पेट नहीं भरता, कम से कम एक महीना खाने के लिए चावल उनके घर पहुंचा दिए जाएं तो कुछ भला तो होगा उनका। लेकिन बेटी, इस साले सवाब के लिए फातिहा तो होना ही चाहिए। वो भी होगी अंकल, भूरे मियाँ से कहिए हम आ रहे हैं। जी बेहतर। आपका क्या प्रोग्राम है अंकल? बेटा तुम उधर होके आओ, मैं अपना कुछ काम कर लूं। ठीक है। हेलो फौजिया। आइए आइए राजू जी, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप वो कोई लड़की? हाँ, शमा प्लीज कम। चाय पी के जाइएगा। चाय फिर कभी पी लेंगे, बहुत जरूरी जाना है। आजकल विधायक जी हमारे हाल पर कुछ ज्यादा ही करम फरमा रहे हैं। ओके बाय बाय। शमा जी आइए बैठिए हमारे साथ। अब से आप हमारी दोस्त बनकर यहां रहेंगी। जी जरूर। राज साहब, हमें परवाह इस बात की नहीं है कि विधायक जी क्या कह रहे थे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कौन है इंग्लैंड में जिसका हवाला देकर हमको धमकाया जा रहा था। वो खान साहब के भतीजे हैं जो इंग्लैंड में है।
सी। दौलत तो दोनों को बराबर की ही मिली थी, पर इसके वालिद ने जमीन जायदाद सब कुछ उड़ा दिया, सिर्फ एक अवाही कोठी बची, और अब उनकी औलाद चचा के माल पर खूब ऐश कर रही है। अगर वजाहतुल्ला खान को यह खुशफहमी है कि खान बहादुर की जायदाद की वो वारिस हैं, तो उन्हें नाउम्मीद होना पड़ेगा, क्योंकि खान बहादुर ने इस खतरे का इंतजाम भी कर दिया था। आप बेफिक्र रहें मिस राजुल, खान बहादुर का यार राज नारायण अभी जिंदा है। एक बात और कहनी थी आपसे। फरमाइए। आप लोग जानते ही हैं, अस्पताल के लिए जमीन खान बहादुर जफरुल्ला खान ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई है, जिसकी प्रेसिडेंट मिस फौजिया खान है और जिसके सरपरस्त राज नारायण श्रीवास्तव। सरकार की तरफ से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। ये तो बहुत मुबारक खबर सुनाई आपने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाबा का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ। मिस राजुल चौधरी, आपने भी इस कार्य अजीम को बखूबी अंजाम दिया। ईश्वर आपको इसका सिला दे। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे हॉस्पिटल की सारी टेक्निकल एडवाइस हमने हासिल कर ली है, और इन्हीं एडवाइजेस को आर्किटेक्ट ने ध्यान में रखते हुए कुछ ड्राइंग भी बना दिए हैं। हम आर्किटेक्ट के साथ किसी दिन मीटिंग अरेंज कर लेते हैं और डिस्कस कर लेंगे। मरहूम पहले ही एक बड़ी रकम बैंक में फिक्स कर गए हैं, जिसे कैश करने का हक हमको दे गए। बस समझिए कि हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। खुदा जाने क्या हंगामा करे वजाहत। हम इंग्लैंड में हैं, वरना इस अंदाज़े गुफ्तगु का मजा चखा देते। फौजिया बेटी, ये आपके लिए। शुक्रिया। रशीद। साहब के इंतकाल की खबर मिली, अल्लाह उनकी मगफिरत करे और तुम्हें सब्र अता करे। बहुत उदास होगी तुम, कुछ मजबूरियां हैं इसलिए हाजिर नहीं हो सकता, माफ कर देना मुझे। मजबूरियां तो हैं तुम्हारे साथ भी और हमारे साथ भी। इन नागहानी मजबूरियों ने कितने फासले बढ़ा दिए हमारे और तुम्हारे बीच। तुम भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते कि आने वाला तूफान कितनी मुसीबतें लेकर आएगा। काश काश तुम हमारे साथ होते इस वक्त। हाथ से कहना देते हैं अक्सर सूरत का चांद, लेकिन सीरत का ये उजाला होता नहीं है मान। कौन बढ़ाए दिल में इज्जत।
इज्जत सूरत या सीरत, 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 सूरत या सीरत। एक नौकरानी पर इतना भरोसा? फौजिया खान, फौजिया खान, फौजिया खान, सुन सुनकर मेरे कान पकड़। सिंपल, क्यूट और बोर्ड लड़की है तुम।